हेलो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या जानना चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। तो बात ये है कि मैं आज अपनी लाइफ में पहली बार 200 किलोमीटर का सफ़र बस में अकेले तय करने वाली हूँ। पहले तो मैं काफ़ी बार मतलब इतनी दूर जा चुकी हूँ बस में, पर हमेशा कोई ना कोई होता था मेरे साथ में, या तो मम्मी मेरे साथ में होती थी या तो किसी पेरेंट्स के साथ में ही गई हुई हूँ। आज पहली बार मैं इतनी दूर का सफ़र अकेले तय करने वाली हूँ, तो डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी है कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मैच्योर हो रही हूँ, इतनी दूर मैं अकेले जाने वाली हूँ। तो चलो, अभी मैं अपने घर को बढ़िया ताला कुंडी से बंद करके चलती हूँ। चलो जल्दी जल्दी, अब मैं पैकिंग कर लूँ, मेरा सामान पूरा बिखरा ही पड़ा हुआ है। वैसे तो मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अपने आप को मैच्योर कहती हूँ, पर ये देखिए, और ये क्या, लाइट भी गोल हो गई। अरे यार, अब तो मुझे टॉर्च जला के ही पैकिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम के लिए मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं पैकिंग कैसे कर पाऊँगी, टॉर्च ऑन करनी है। ठीक है, बस में तो बैठ चुकी हूँ और बस में बैठे मुझे भी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब गर्मियों में बस में सफ़र करना बहुत मुश्किल काम है, पर अब मुझे शहडोल तो जाना ही है, तो ये मुश्किल काम मुझे करना पड़ेगा। और अभी बस में ज़्यादा कोई नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ। अगर ज़्यादा कोई होता तो मैं बोल भी नहीं पाती। अभी शुरुआत कर रही हूँ ना, जिस दिन 1 मिलियन हो जाएंगे तब तो किसी के भी सामने बोल दूँगी। और फ्रेंड्स, अभी 10 किलोमीटर भी हम आगे नहीं आए हैं और बस ख़राब हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि ये बस हमें आज के दिन में शहडोल पहुंचा पाएगी। और बस ठीक हो जाने के बाद मैंने थोड़ी सी बस चलने की वीडियो बनाई ही थी कि फिर से दोबारा बस ख़राब हो चुकी है, और बस ऐसे जगह में ख़राब हो रही है फ्रेंड्स, जहाँ पर ना ही कुछ खाने को मिल रहा है, ना ही कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब मैं अपनी ही शक्ल को देख कर खुश हो जाती हूँ कि मुझे यही बस मिली थी। सुकून की सांस लेते कुछ ही समय हुआ था कि फिर से बस खराब हो चुकी है, और इस बार एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे समोसे की दुकान है कुछ दूरी में, तो मैं अभी समोसे खाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे आ चुके हैं, और इससे पहले कि बस मुझे छोड़कर निकल जाए, मैं जल्दी से इन समोसों को ख़त्म कर लूँ। और अब भगवान जी के द्वारा डाल दिया गया है मेरी यात्रा में मसाला, और वो मसाला ये है कि बस वाले ने अपनी सारी सवारी को दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया है, और मुझे दूसरी बस में ढंग से सीट भी नहीं मिली है। अब मैं शहडोल पहुंच चुकी हूँ, और आज ना मैं एक बात सोच चुकी हूँ कि बिना इमरजेंसी के मैं कभी भी बस में नहीं बैठूंगी। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, अब मैं पापा का वेट कर रही हूँ, पापा मुझे लेने आने वाले हैं। मैं अपने शहडोल वाले घर पहुँच चुकी हूँ, और आप लोगों को मैं अपने शहडोल वाले घर का टूर एक अलग वीडियो पे कराऊंगी। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।